अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन, पूजा का समय हो गया है, पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे। अंशुमन जी, सब सरस्वती माता सब सही करते। सुमन, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये जल कैसे गया? कुछ नहीं हुआ अंशुमन जी, वो खाना बनाते बनाते चलती हुई लकड़ी पर हाथ चिपक गया। मैं वहीं पर था और मैंने कुछ देखा ही नहीं। अंशुमन जी, अब पूजा पाठ में छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है ना। वो सब माँ पे कोई ग्रह दोष ना रहे, और हमें क्या चाहिए? अब चले। आइए माँ सरस्वती की आरती करते हैं। पंडित जी, अब आप आरती शुरू कर सकते हैं। आप दोनों माँ सरस्वती की आरती कीजिए, शुभ होगा। सरस्वती माता की जय। खुश रहो बच्चा। सरस्वती माता की जय। 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 दादाजी ने क्या कहा था? बसंत पंचमी रंगों का उत्सव, ये तो फूल है ना। लक्ष्मी तुम ना, तुम नहीं बचोगी। सॉरी सुप्रीमा। क्या है ये सब? सिर्फ फूल उड़ाने हैं? किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं है कि सरस्वती माँ का खोचा बांधे बिना उनकी विदाई नहीं होगी। कहाँ है खोचा? माँ वो सभी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ तैयार है, हम अभी खोचा लेकर आते हैं।
सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, वीणा वादिनी की। भगवान, माँ की प्रतिमा तो डगमगा रही है। अरे नंदिनी, अरे अंशुमान, आरती, नंदिनी, अरे भैया रुको, जब भी छोटकी बहू को कुछ भी जरूरत होती है तो जो पहला हाथ बढ़ता है वो हमेशा सुमन का होता है। माता रानी की कृपा देखो, आज एक बेटी को वापस अपनी माँ से मिलवा दिया। बोलो सरस्वती माँ की। चलो सरस्वती माँ का आंचल नीचे से भर। नहीं सर प्रेमा, ये अधिकार आज भी आपका है, कल भी आपका था और आगे भी आपका ही रहेगा। हमें आपकी विरासत नहीं चाहिए, हमें तो बस सुरभि माँ का प्यार चाहिए। आप बस हमें हमेशा अपनी पलकों की छांव में रखिए। इससे ज्यादा सुमन की और कोई चाह नहीं है सुरभि माँ। चलो हम दोनों मिलकर माँ का खोजा करते हैं। नंदिनी, आप सरस्वती माता की जय।